तो दोस्तों आज मैं आपको पांच बहुत ही अनोखी और बहुत ही मैजिकल चीज़ बताने वाली हूँ जो अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। मतलब कि 7 जन्मों तक सामने वाला आपको प्यार करेगा। तो समझ ही सकते हो वीडियो का इम्पोर्टेंस, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पाँच क्या क्या चीज़, सबसे पहला है दोस्तों विश्वास। जी हाँ दोस्तों, जो 5 पॉइंट मैं बताऊंगी ना, इसको आपको पहले में सुनने में हल्का लग सकता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको ये समझाऊंगी और आप अच्छे से इसको समझ लोगे ना, फिर आप समझ पाओगे कि कितना डीप मीनिंग रखता है ये सारी चीज़ें। और ये अगर आपके लव रिलेशन में रहे तो आपके प्यार कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो पहला है दोस्तों विश्वास। अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखोगे तो दुनिया का कोई भी शक्ति आप दोनों में दरार पैदा नहीं कर सकता है। और कभी भी आप एक दूसरे के ऊपर अगर शक नहीं करोगे तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, अच्छा चलेगा। तो बहुत ही बेसिक और जेन्युइन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना। चलिए दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ना, बहुत ही अच्छे से समझने वाला पॉइंट है। उससे पहले एक उदाहरण समझ लो, एक एग्जांपल, कि जख्म को ना खुला नहीं छोड़ते हैं। इसको आप कभी कभी कहावत में सुने होंगे कि मान लो आपके पैर में चोट आया है और आप उसका ठीक से सही से आप उनमें कुछ भी, मतलब डॉक्टर को नहीं दिखाए, आप उसमें कुछ भी दवा नहीं लगाए, कुछ भी नहीं किया, आप ऐसे रख दिए, फिर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा ना, फिर कुछ बड़ा कांड हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इसको क्या करना है, अगर छोटा मोटा चोट लगे भी हो तो जल्दी से उसको क्या करना है, डिटॉल से धोना है, फिर कुछ दवा लगाना है या फिर कुछ दवा खाना है। अगर थोड़ा सा गहरा चोट हो तो डॉक्टर को दिखा लेना है, ऐसा ही करना चाहिए ना। तो ऐसे ही दोस्तों रिलेशनशिप में, मान लो आपके मन में सामने वाले को लेके कुछ आया है दिल में, ठीक है, और उसमें से आप थोड़ा सा बता दिए और क्या हुआ ना, ये जख्म जो है ना वो खुला रह गया, मतलब सही से आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो फिर वो चीज़ क्या होगा, रहते रहते ना एक बड़ा सा एक नुकसानदायी चीज़ फिर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको आपको ठीक करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो ऑपरेशन, ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया ना, तो उस तरह से आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके मन में सामने वाले को लेके छोटी मोटी कोई भी कन्फ्यूशन है या फिर कुछ भी है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, फिर दोनों में बातचीत करके ना उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कभी भी आपको ये ना है ना जख्म खुला नहीं रखना है, जख्म खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और आपको कभी भी अपने पार्टनर के साथ आधी अधूरी ऐसी बातें ना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये गए दोस्तों आपके दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 3 नंबर पॉइंट जो है ना, ये मैक्सिमम नहीं, मैं ये कहूँगी कि 110% लोग यही गलती करते हैं, इसी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है। और ये क्या है, ये है दोस्तों, आप जो है ना एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हो। मतलब आप चाहते हो सामने वाला आपकी तरह बन जाए, सामने वाला भी सेम वे में चाहता है कि आप उनकी तरह बन जाओ। इस वजह से ही दरार पैदा होता है, क्योंकि दोस्तों कभी भी आप किसी को नहीं बदल सकते, क्योंकि देखिए आपने उनको नहीं बनाया, तो आप तो दूर की बात, वो खुद भी खुद को नहीं बनाए हैं, उनको कौन बनाया है, भगवान ने बनाया, ठीक है, वो भी गॉड की क्रिएशन है, आप भी गॉड की क्रिएशन हो, ठीक है। तो आप उनको बदलने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप गॉड की जो बनाई हुई सृष्टि है, क्रिएशन है, आप उसको बदलना चाह रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली नहीं। सेम वे में आप भी गॉड की बनाई हुई क्रिएशन हो, तो वो आपको कैसे बदल सकता है, भगवान ने जैसा जिसको बना दिया है उसको हम भला कैसे बदल सकते हैं, हम खुद को ही नहीं बदल सकते, ठीक है। हम कितना बार सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, रोज़ जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2 दिन बाद हम नहीं कर पाते हैं, तो हम खुद को ही नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाले को हम सुधार लें, ठीक है। ये बहुत ही फनी वाला बात है, लेकिन हम यही गलत करते आ रहे हैं और करे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो रिलेशनशिप 7 जन्मों तो छोड़ो, 1 जन्म भी सही से नहीं चलेगा।
तो आपको क्या करना है, दूसरे को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करना है, आपको सामने वाले को एक्सेप्ट करना है, उसकी जितनी भी अवगुण है गुण है सबको मिला के एक इंसान बनते हैं, किसी में 100% गुण नहीं है और किसी में 100% अवगुण भी नहीं है, तो आपको उनकी गुण और अवगुण दोनों को ही अपना के उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फिर ही आप दोनों का जो प्यार है ना वो 7 जन्मों तक अच्छे से चलेगा, नहीं टूटेगा। चलिए 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है दोस्तों सामने वाले को रिस्पेक्ट करना। देखिए दोस्तों हर किसी का एक नीड होता है ना कि मेरा पार्टनर मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे थोड़ा सा प्यार से बात करे, मुझे स्पेशल फील करवाए, इस सब की नीड होती है। क्या आप नहीं चाहते हो कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे? अगर वो आपसे रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं तो आप खुश नहीं हो जाते हो, अगर वो आपको गाली देते हैं तो आप दुखी नहीं हो जाते हो, होते हो ना? वैसे दोस्तों आप अगर सामने वाले को गाली देते हो, गंदा बिहेवियर करते हो तो वो दुखी हो जाता है, और अगर आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करते हो, अच्छे से बात करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, सामने वाले के साथ वैसा ही बिहेवियर करो जैसा आप खुद के साथ चाहते हो, ठीक है? तो अगर आप सामने वाले को ऐसे प्यार और रिस्पेक्ट दोगे जैसा आप खुद चाहते हो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली सामने वाला आपके प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और प्यार फील करेंगे, और अगर आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो, प्यार से बात करते हो और मेरे बाकी सारे पॉइंट भी फॉलो करते हो तो 7 जन्मों तक आपका प्यार 100% नहीं टूटेगा। चलिए 5 नंबर पॉइंट में आ जाए, लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये है दोस्तों हमेशा मतलब क्या, रेगुलरली, ठीक है? अब रेगुलरली इसका मतलब आप रोज नहीं समझ लेना, रेगुलरली मतलब है एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको ये चीज़ करना है। जैसे मान लो आप वीक में एक बार कर सकते हो, आप महीने में एक बार कर सकते हो, साल में एक बार कर सकते हो, तो आपको आखिर में करना क्या है? आपको आउटिंग प्लान करना है, कहीं बाहर घूमने जाना प्लान करना है, और इसको आप बिल्कुल ही हल्के में मत लेना, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी रिलेशनशिप में। जैसे आप एक जगह पे रहते रहते और एक दूसरे को एक ही तरह से देखते देखते आप एक टाइम में बोर हो जाते हो, वैसे दोस्तों जैसे आप किसी भी आउटिंग में गए हो, ठीक है, और वहाँ जाके आप कुछ नए रूप में उनको देखते हो, कुछ नए जगह के साथ उनके साथ नए रूप में उनके साथ मिलते हो, बात करते हो, सेक्स करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो इससे क्या होता है, आप दोनों के रिलेशन में एक बूस्ट मिल जाता है, एक नयापन आ जाता है, और उससे क्या होता है, आप दोनों की जितनी भी बोरिंगनेस इतने देर तक हुआ था ना, सब कुछ मतलब मान लो ख़त्म हो जाता है और आपकी रिलेशन एक नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि क्या घूमने जाना, अब तो शादी हो गया है या फिर अब तो हम प्यार कर रहे हैं, यही तो हम रोज़ घूम रहे हैं, अब क्या आउटिंग प्लान करें, ये क्या करें, ऐसा आपको इस जो पॉइंट है ना उसको हल्के में मत लेना है, नहीं लेना है, फिर मैं आपको बताती ही नहीं अगर ये हल्का पॉइंट होता, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी पॉइंट है, आप यही समझ लो, और इसको मैं लास्ट में रखी हूँ तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको डेफिनेटली करना है आपके पार्टनर के साथ। आपको अब रेगुलरली मैं इसलिए कही कि मान लो आप शादी के बाद बस हनीमून गए और भूल ही गए घूमने जाना, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली करते रहना है, साल में एक बार गए, साल में 2 बार गए, आपके बजट के हिसाब से आपको ये करते रहना चाहिए, ठीक है? तो फिर आप दोनों के प्यार में हमेशा एक नयापन, एक जो है ना एवर ग्रीन जैसा होता है ना, वैसा आपकी प्यार हमेशा रहेगा और कभी नहीं टूटेगा। तो अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।